1987 विपिन अग्रवाल आईआईटी रुड़की। मेरे को 2000 में शुगर लग गया था और 450 शुगर डिटेक्ट हुआ था फास्टिंग का। बीपी का शुगर 600 था और उसके बाद मैंने अंग्रेजी दवाइयाँ बढ़ती चली गई धीरे धीरे, एक एक ग्राम की 3 गोली। डॉक्टर ने इंसुलिन को बोला, मैंने इंसुलिन फेंक दी। उसके बाद धीरे धीरे मैं ठीक करता गया और 6 महीने पहले मैंने शुगर की सारी गोलियों का त्याग कर दिया, अंग्रेजी एलोपैथिक सारी दवाइयाँ बंद कर दी और आज मेरी शुगर 120 से 130 के बीच में रहती है फास्टिंग। बीपी 150 से 160। थायराइड भी मुझे भयंकर था, थायराइड के मैंने उज्जैयी प्राणायाम से ठीक कर लिया, कोई गोली नहीं खाई, बिल्कुल ठीक हो गया। ब्लड प्रेशर 220 और 110 था। तो थायराइड की गोली खाए कितने दिन हो गए? थायराइड की गोली 10 साल से छोड़ दी। 10 साल से गोली और खाली उज्जैयी से? उज्जैयी प्राणायाम। ब्लड प्रेशर 110-70। उसके बाद मेरे को स्किन का प्रॉब्लम बहुत भयंकर था, 5 साल से मैं स्किन की होम्योपैथिक गोली और आयुर्वेदिक गोली खा रहा था। अभी 3 दिन आए हुए हुए हैं, मेरे स्किन की प्रॉब्लम खत्म हो गई। 3 दिन? 3 दिन में हो गई। और शुगर की दवाई? शुगर की दवाई तो बंद है। बीपी भी ठीक, शुगर ठीक, अर्थराइटिस, घुटनों में दर्द है। अभी मेरा फ्रोजन शोल्डर भी 4 साल से है, डॉक्टर ने एस्टेरॉइड ठोक दिए थे इंजेक्शन। अभी मेरा काफी हाथ हिलने लगा है और पहले मेरा हाथ मुड़ता ही नहीं था, यहाँ तक हाथ था, अभी यहाँ तक जा रहा है। और उम्र कितनी होगी आपकी? उम्र मेरी 58 लगता है। 58 की है? अभी मुझे आपकी तरह ही बनना है। ये ठीक है।